अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन इच आयशा असलम हाजिर खिदमत है जी। आया को आकसा खुश आमदीद आकसा तमाम अपने भेणी को, तमाम मेरे प्यारे प्यारे मामा को, तमाम प्यारे प्यारे सहेलियां को और प्यारे प्यारे दोस्त जितना सा को रेधे बैठे थे तो कुछ जी आया को अक्सो और खुश आमदीद अक्सो ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन इच स्पेशल ट्रांसमिशन इच खुश आमदीद अक्सा और किए वेंदे पेन थे रोजे और किए गुजरदे पेन थे और पता ही मैं तो अक्सर नहीं चल रहा पिया कि एंड थीवन आला है पिया और आखिरी अशरा जड़ा है वेंदा पे पिया और ये ही दुआ करे सो के कोशिश भी करे सो के ये अशरे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ और इनके अलावा भी सब कुछ करने से जी बिल्कुल लोगों की अफतारी भी करनी है जी बिल्कुल। नबी पाक सल्लम ने आखे थिया कि जिन जी ने रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराया और उनको भी उतना ही अजर मिल सी जिमें कि एक रोज़ेदार को मिल सी थी और रोज़ेदार दे अजर विच बिल्कुल कमी कहना आसी हिंग गलो। अगर जेला से कहीं को रोज़ा अफ्तार करने में है तो जिमें आखा गया साढ़े नबी पाक सल्लम ने भी आखे थिया कि उनका अजर जड़ा है उ ही मिल सी जिमें रोज़ा रखे में है तो वह जरूरी है कि अगर हूं तक असा अफतारी नहीं कराई तो अफतार करावे थे। जरूरी नहीं कि इतने सारे लवाजमात तैयार किए वन, मसला यह है कि असा सुचैने हैं कि कहीं कुछ सड़ने थिया या सारे जाने वाले हैं या जो सारे रिश्तेदार हैं या सारे हमसाए हैं, क्योंकि पहला हक मैं तो इवें आदि हाँ कि हमसाया का ज्यादा बनता पे होता क्योंकि कहीं नजदीक रहा पे उन्होंने थे और जरूरी है कि कुछ जितना भी बने ने अगर घर नहीं सज सकते तो उन्होंने घर जरूर थोड़ा ना थोड़ा मैं अदिया भेज दूँ अफतार दे टाइम और वो लोग जोड़े कि आवे बाजे टाइम जो तुम अफतारी करेंगे पे अचानक आवें दे कोई मेहमान आवें दे तो वाल फौरन जोड़ा है मैं अदिया जोड़ा कुछ भी है उन्होंने को भी आप शामिल जरूर किया करो। और माजर के नाल मैं बहुत सारे देती हाँ घर में कि अक्सर खवातीन आते पे ये भी कोई टाइम है आवन का अफतारी के टाइम नज़दीक है भाई अल्लाह तला की रहमत होंगी उ टाइम कोई भी आवने थिया और कुछ शामिल कर घिनो अपने अफतारी विच तो वल क्या धन्ना डबल सवाब कमा घिनो मौके तक कदें कदें मिल देना और ये मौका है ये कुछ लम्हे हैं कुछ सादत हैं पे इसमें आदे साथ है पई तो फायदा उठाओ इस साथ तो लम्हे तो। अच्छा दूसरी गल है आई मैं सोचे थिया कि कुछ ना टोटके सेहत के हवाले में जरूर दिसे सा एंड थीवन आला है और एंड थीवन दे नाल नाल बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शिकायत भी हैं पे कुछ लोगों का आखण है कि आयशा सुस्ती थी वेंदी और मेरा भी यो ही हाल है जो सर अफतारी कर घिने हैं तो वाल सा को थोड़ा सुस्ती यही महसूस थी है वनौदगी यही बहुत सारे लोगों को आती है हालांकि सारे दिन ऐसे लोग रेस्ट करेंगे पे होने हैं समझे भी ज्यादा लंबा पे होने हैं टाइम जो सारे लोगों को मिल रही थी लेकिन उनके बावजूद अफतारी जो ही की वेंदी है कि सुस्ती दस बहुत सारे लोग शिकार थी वन तरावी पढ़नी होती है तो उनके वास्ते एक टोटका है देसी टोटका है जरा कि मैं पढ़े मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन नाल मैं शेयर कर देवा कि वो आदमी अद्धा गिलास पानी गिनो उनके अद्धा लीमू जड़ा है लेमन जड़ा है नींबू जड़ा है उनका रस कट के सट्टो और उन्हें नाल ही इमली कुछ मकदार शामिल कर गिनो ज्यादा खट्टा पसंद नहीं करती थी ज्यादा इमली सट्टन की जरूरत क्या नहीं थोड़ी इमली जड़ी उन्हें शामिल कर गिनो ये जो मिक्सचर है एक बना गिनो ये मशरूम जड़ा एक मशरूम बन गया यकीन मशरूम बना गिनो और वाल उन्हें बात करना क्या है कि अफतारी के बाद जो डेली की गाल करे सा हर अफतारी के बाद क्या करना कि त्रै चम्मच ई मशरूम ने तुसा पीवे थे और ट्राई करने थिया क्या पता तुरा भी भला थी मैंने मेरा भी भला थी मैंने मैं भी टोटका दे दी पाई हम और मैं कि वाकई थी तो सुस्ती है साको और अक्सर ऐसा लोग खावा पीवन के बाद माशाल्लाह लम लेट थी गए ने जबकि तरावी भी पढ़नी होती है सुस्ती दूर करने वास्ते क्योंकि हम टाइम बहुत घटते मैं आदिया जिंदगी का टाइम तो वाकई कोई पता क्या नहीं कर जरा है ना मैं आदिया के बिल्कुल मौत तो वाकई कोई वेला कह नहीं कोई टाइम कह नहीं थिया और हर बंदे ने हर जी रूह ने मरने दुनिया तो वरने थिया तो वाले जो थोड़ी वक्त मिल गई थी अल्लाह ताला ने साकू महीना दे दीते थिया चंद लम्हे चंद दिन दे दीते थे ते दिया तो ज्यादा फायदा चाहो। अच्छा हम चलसा मैं तक जो कि पता है कि मलका फूड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं थ्रू आउट मेरे नाल चल रहे आते पे तकरीबन चार पांच भी थी चुके थे आज भी मेरे नाल हैं पे मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है
ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਇਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਜਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਕਾਓ ਨਵਾਂ ਪਕਾਓ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ अच्छा और मलका फूड्स दे एक जो नए प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने उसमें डाल दिया कि लखनऊ बिरयानी है हैदराबादी अचार अचार गोश्त है पिया पिशावरी कढ़ाई है पई पंजाबी दाल तड़का है पिया उनके अलावा बहुत सारे वे भी हैं पई प्रोडक्ट्स दिल्ली में हारी भी है पई बम्बई चाट मसाला भी है पिया और इन्हें करी है पे चिकन करी भी है पे वो भी तुम ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो मैं कुछ नहीं पहले ही ट्राई की थी और वाकई इन्हों का जरा जायका है वो इंतहाई मजेदार है तो जरूर ट्राई करे सो अच्छा इन्हें एक बहुत वही खूबी मिसाल भी है पे कि मुजरे सेहत कैन क्योंकि इन्हें एम एस जी और ग्लूटेन जरा है जो कि मुजरे सेहत होंगे वो चीजा शामिल कह नहीं किए गए हैं गलत सेहत को भी इन्होंने मद्देनजर रखे तो सब बिला झिझक इस्तेमाल करे सो नवे जायके ट्राई करे सो और हम एंड वाले डी चल रहे पेन थे जरूर ट्राई करे सो ताकि तक पता चले कि रूटीन वाइज ये जो हैं पे क्योंकि हम ज्यादा मौका मिल रहा है ज्यादा डिशा बन रहे पेन थे तो इन्हें डिशा में अगर नवे जायके आवे से तो यकीन तो सब लोग इंजॉय करे सो सारे घर वाले भी इंजॉय करे सो अच्छा हम चल सा मैं अभी गेस्ट वाले और तक पता है कि सारे प्रोग्राम का हिस्सा सारे काबिल में आ सकते हैं बासलाहियत जड़े हैं बाहिम्मत खवातीन होने और ए टाइम जड़े हैं मोहब्बतन के अलमदार में आ सकते हैं खलूस और मोहब्बत की मट्टी विच गुंधी हुई खातून बाहिम्मत बासलाहियत खातून ए टाइम सारे नाल हैं पे मैं चाहता ना दसन को पहले मैं इन्हों के काम जड़े हैं वो दस देव FM 93 विच ब्रॉडकास्टर हैं पे और प्रोड्यूसर भी हैं रेडियो पाकिस्तान न्यूज के कालम निगार हैं पे शायरा हैं एक माँ हैं पे और जरा गाजी खाना का ताल्लुक है पिया रिजवारा तबसम दौरानी हैं सारे नाल खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम आपा वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया बहुत क्या हाल है आपा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अच्छा आप कुछ दिन पहले फिर टोर के आए पहले मैं चाहते हैं टोरे फेगरे ला के आए और मैं और इकट्ठे पहुंच गया से तुर्की आपा थी के आए और आपा और मैं इकट्ठे ही वीजा चाहन गया से माशाल्लाह मेरा भी तुर्की का वीजा लग चुके और आपा का भी लगे मैं हरे नहीं टोरे फेरते गई लेकिन आपा थी के आए आपा क्यों रहा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक नवा तजर्बा पॉल्यूशन कहनी मिट्टी कहनी धू शूर कहनी सिर्फ ही वास्ते के वो लोग तवज्जो करें ना अच्छा उठा आपा दा रंग भी नया है मैं सोशल मीडिया पे बैठा है ना दा आपा तो आपा लगदे नहीं पे सब पे दाना चासा जनाब छोटे ब्रेक दे बाद नाज़रीन चल दे पे ब्रेक ते कि थे ना वैसा सर नाराज अल्लाह 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 वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद को बिल्कुल वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन स्पेशल स्पेशल गेस्ट के नाल और इन टाइम सनली गेस्ट आ चुके थे और पता है तो बिल्कुल खातून हैं और बच्ची आकसा में लेकिन हैं प्रोफेसर और माशाल्लाह टू यंग और नवे लोग नवे चैलेंज लोग अपने कैरियर का आगाज कर रहे थे वाकई जाओ फुल थी वाने के वाकई ही ये स्टूडेंट हैं ये टीचर हैं पे सच्ची नाल तो सर सर वाकई हैरान थी वे सर प्रोफेसर महवेश राणा हैं एडमायर कॉलेज मुल्तान अल तालुक है इनको खुश आमदीद अक्सर वसीफ रमजान ट्रांसमिशन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है महवेश मैं ठीक हूं ठीक ठाक रोजे क्यों गुजारते हैं रोजे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां थी चुके थे या हाल थी नहीं अभी नहीं हुई अभी नहीं हुए हमारा समर कैंप है ओहो यानी गर्मी वैसे भी ऐसा रोने थी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मतलब मुझे तो अच्छा लगता है अपने मतलब प्रोफेशन है हम तो पैशन के साथ करते हैं और अच्छा वैसे अच्छा एंगल भी लगता है कि पेट मिल जाती है ना बच्चे वास्ते तो प्रॉब्लम होती है गर्मी से निकल होता है छुट्टियां मंगते पे होने जी बच्चों के लिए होता है समर कैंप बेसिकली तो मतलब सैलरी के अलावा मैं तो ये अपना ये टीचिंग जो करियर है मैंने अपने एक पैशन के साथ स्टार्ट किया था हाँ। और मैं मतलब सैलरी तो एक अलग चीज है हाँ। लेकिन मैं ये अपने जज्बे के साथ करती हूँ मेरा अच्छा। शौक है मैं इसी फील्ड को आगे लेकर भी जाना चाहती हूँ मजीद
और भी ज्यादा तरक्की करना चाहती हूँ इसी फील्ड के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी रिजाना पता सैर सपाटा से करने ना उठे रह गए थे कि रहा थोड़ा सैर सपाटा और बड़ा एंजॉय। अच्छा पता क्या है मैं तो कुदसा सारा खूबसूरत है हर शहर लेकिन जरी उतो दा रूमी रक्स अच्छा वो भी बिठा बिल्कुल सहती गाले ट्रेडिशनल बिल्कुल रक्स है बिल्कुल और रक्स एक पैगाम देने सब ठीक है ना। अच्छा तुसा देखो तुसा तुर्की वेले वे ना ते तुर्की तो तुसा देवे सवे दे पैसे क्या गंदे बनियो उ तो जेडी चीज तुसा गंदे रहे ते वो नीली अख जी बड़ी भी होंदी है स्पेशली के भी घर च लोचा ठीक है वो नजर हां नजर ठीक है ते वो चीज एक ही वे तुसा के उडा ने ना इवे हाथ एक ई हां ए रक्स इस स्टाइल उने दा ठीक है ना इंदे उने चीजा बड़ा है और शक्ल मुख्तलि बड़ा के हर चीज दे विच ए चीज है हुन ए दा कोई क्या पैगाम ले लिए ठीक है मैं कोई विशेष है क्या मैसेज ठीक है देखो अल्लाह दे दे हां दे दे असा को दे ठीक अल्लाह दे दे अच्छा अच्छा ठीक है ए ई ठीक है जबरदस्त तू सा जित्था भी ए चीज देख सो ना ए तुर्की दी यानी मैसेज है कि अल्लाह तेरे हाथ से लेदा पे और खर्च कर में अगो देवड़े आहा अल्लाह दे जित्ते में छुड़े में जबरदस्त और इतनी ये खूबसूरत चीज सी वे और ओ जेले रक्स करे दन वे हां इतने महर थी बदन और बिल्कुल खामोशी और कुरान पढ़ दे कुरान दे आयत पढ़ दे 10 बजे 10 के नालो रक्स करे और उने दा हाथ हिलदा रे धमाल चाहे पा सकदे है यानी कि वजदान विच जीवन बिल्कुल वजदान विच चले गए और उने दा सीजम दत यानी और जितना भी ओ ए फिर से राउंड विच गुलाई विच हो सी इवे अच्छा ना जित खास स्पेशल टोपी होने को ड्रॉप टाइप हां बिल्कुल 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 जैसे दे दे तू समय दे पा ना और इंशाल्लाह वैसा और जरूर दिखे क्योंकि स्पेशल शाम दा हुंदे रात दा हां उने एक घंटा हुंदे इबादत को आदनो अच्छा इबादत होने उंदे चो ना लोग लड से दिन के भी समझना चाहंदे से ओई वे सीटिंग सारी तो समझ के बासो बकायदा आसन परफॉर्म करे सन और खामोश बिल्कुल और कुरान पढ़ सन अच्छा, और उधर बाद जरा रक्स हो सी ना उधर तो आधा पूरा मंदा घूंगा प्या हो सी जिस महास लेकिन हाथ ही में हो सी अच्छा वो नहीं सी नो डायरेक्शन और फिर ने जीवन फिर ने हाथ ही में तब वो मैसेज देना प्या उधर हाँ कि अल्लाह देना पे तो सागो बन वाह जी वाह और महीना भी यही तकाता हाँ, करना बिल्कुल, पे सोशल वर्क आप चलना पे आप बताओ कुछ दसे सो क्या सोशल वर्क चलना पे और इन महीने कितने एक्टिव थी वेंदे ओ दसे मैं तो कुछ दसा कि मैं ही दफा मुझे तुर्की चले गया था मेरे को यो फिक्र है कि रमजान शुरू थी सी ते लोग आवे से और मैं इथा कहना हो सा क्योंकि असा फर्स्ट रमजान को इथा पहुंचना है फर्स्ट रमजान को आ गयो से ते बस बदकिस्म थी के मैं बीमार थी गयो एयरपोर्ट तो लांधे ही वो कोई पता नहीं इन्फेक्शन उठो जद्दा एयरपोर्ट तो थिया क्या थिया मैं पूरे आठ दिन स्टे जद्दा हो हां हां ड्रेट फ्लाइट हां बिल्कुल आठ दिन मैं जरा उंदे च गला बंद थी गया बुखार थी गया खासी मेरी तबीयत खराब रह गई और तुसा ये देखो कि मैं जेरे दी आई हां इस्लामाबाद में बनना ही उठो कुल वापस लाहौर लाहौर तो मुल्तान मैं जू ही आके गाड़ी रोकी है ना मेरे गेट दे नाल एक 60-70 साल तो भी ज्यादा उम्र दा बंदा इवे चुप कर दे गेट दे नाल खड़ा ही सा बसर के हां अच्छा उठो लथियां ते जहर बैग हम सामान ही अगो गईयां ते दो औरत सीढ़ियां च बैठन थिया हम सैन दे सीढ़ियां ठीक है अगो गईयां ते चार औरत बियाह ही लाइन च बैठन थिया दरवाजे दे बाहर अच्छा मैं कुछ दिखे ना यकदम ने चेहरे खेल गया के भी ओ आप आ गए आप आ गए अच्छा वो बंदा आया गो बीबी जी मैं हर साल तेरे को ना राशन गिनन आंदा हूं ना मैं कुडियो में उमरा कर रहे अच्छा हुन देखो ना उन्हें दी मुंह दे चुकिया निकला हां माशाल्लाह मैं उन्हें कुडवा मैं कि नहीं मैं सफर तो आई ना उन्हें मेरा सामान चाहता मैं अंदर रखा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਦਿਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇ ਖੜੇ ਸੇ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਿਆਨ ਲਗ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਆਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਥੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਮੁਖਤਲਿ ਵਸਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੇਗਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁ ਔਰਤਾਂ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਵਧਣ ਤੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੁੰਨੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੇਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੋ ਮੈਂ ਇਥਾਂ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਗਰ ਹਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਕਹਿ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਅਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸੇ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਨੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਥਿਆ ਮੇਡ ਆਨੰਦ ਥਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਮਨੇ ਸੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਲਾਲ ਰਿਸਕ ਕਰਨਾ ਥੀ ਹਲਾਲ ਰਿਸਕ ਕਮਾਉਣਾ ਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਥੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੇ ਚੈਨਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਰਸ ਹਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਚਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਵਾਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂ ਦੇਖ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਬੇ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਤ ਕੋ ਦੇਖ ਸੋ ਕੋਈ ਬੇ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਹੂੰ ਔਰਤ ਕੋ ਫਜਰ ਕੋ ਦੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤਨੇ ਬਾੜ ਵੇਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਭੇਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਨ ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਵਲਦਾ ਅਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਥਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਦਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਸਕਾਤ ਦੇਵਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਲ ਤੇ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਾਵਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਕਾਤ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਛੋੜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਲੋਕ ਹੈ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋੜੋ ਨੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਸੁਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਦਾਦਨ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਯਕੀਨਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਥੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਵਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کو بالکل وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور بالکل ملکہ فوڈز ہے گلوبل فوڈز کمپنی ہے پئی اور پاکستان ول امریکہ ول آسٹریلیا تے اون دے بعد یورپ وچ اپنے نئے ذائقیاں دی وجہ نال مثال جات جڑے ہیں ان دی وجہ نال بہت تیزی نال مشہور تھیندی پئی ہے پئی اور انہاں دا آکھن ہے پیا کہ ہن عام کھانے تو ہٹ ونو ਛੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਕਾਓ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਕਾ ਖਿਨੋ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਪਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਕਾ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਸੀ ਬੇਗਮ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਕਾ ਗਏ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਲਕਾ ਫੂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਥੇ ਤਾਰਾ ਔਰ ਮਲਕਾ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ ਪਏ ਲਖਨਊ ਬਰਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਕੜਾਈ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਂਗੇ ਕੜਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਦਾਲ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ੈਰੋ ਦਾਲ ਬਹੁ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾਲ ਤੜਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਬਹੁ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸੋ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਬਈ ਖੁਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਅੱਛੇ ਹਨ ਪੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੜੇ ਕਿ ਨਾ ਚ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਔਰ ਗਲੂਟਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਥੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋ ਇਹ ਮਿਸਾਲੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਆਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੈ ਡੱਬੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੈਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਭਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਕੂ ਵਾਕਈ ਅਚਾਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਜ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਚ ਔਰ ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ
देखो कितना आसान कर लेते थे मुल्का फूड जाने ने तुहरे वास्ते। अच्छा रुचि गल यही मैं दस देव कि जो मेरे अज के गेस्ट आए हुए थे उन्होंने वास्ते भी गिफ्ट हैम्पर हिम पे जो कि मुल्का फूड की तरफ वो भी तुहरे नाल वैसे और जनाब महविश के नाल। अच्छा महविश थोड़ी गपशप महविश नाल भी करे सू महविश के वाले जानना चाह सू महविश क्या हिम करन को स्टार्ट किया अपने कैरियर का स्टूडेंट लाइफ को शुरू करे सन महविश कितों गल का आगाज करे सू क्या दसे सू अपने बारे। अगर मैं अपनी जात के बारे में बात करूँ तो वो बच्ची मतलब मैं अगर अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं वो बच्ची हूँ जो जब 3 साल की थी तो उसकी मदर नहीं थी रही थी तो मतलब मेरी अगर जिंदगी पे मैं बात करूँ तो इस मतलब क्वाइट डिफरेंट है काफी मतलब दूसरों से मुख्तलिफ है जितने मतलब ये है कि मैंने अपनी माँ के बगैर अपनी जिंदगी को जो है वो सर्वाइव किया है। मतलब जैसा होता है कि अब ये जिनकी माएँ होती हैं मसलन जैसे स्टूडेंट लाइफ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने हमेशा इस चीज को मिस किया कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पे हो तो पढ़ के आते हैं तो घर में माएँ उनके लिए खाना बनाकर पूरी कहानी सारा कुछ जी। हाँ। तो मतलब होता है कि माँ से बेटियों की स्पेशली जो है वो शेयरिंग भी ज्यादा होती है मींस के वो आती हैं और माँ को बताना और अपनी प्रॉब्लम शेयर करना और फिर वो खाना स्पेशली जिसको मैंने मिस किया है कि जाहिर है कि बंदा जो है थक जाता है कि हाँ। आता है कि मेरे लिए खाना बना होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था कि मदर नहीं थी मेरी। फिर मतलब खुद ही मतलब दादी माँ जिन्होंने मेरी परवरिश की और दादी माँ ने काफी मारा जब तक उनका था अब वो ज्यादा ज़ईफ़ हो गई हैं तो मतलब उन्होंने हमें पाला और हम 3 बहन भाई हैं। एक मेरी छोटी सिस्टर हैं वो मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से और एक बड़े हैं जी मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मुझसे छोटे सबसे छोटे हैं बल्कि वो घर में भाई हैं जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफिस लाहौर में उनकी 14 स्केल पे पोस्ट है वहाँ काम करते हैं जी। तो मीन्स के मैं आती और जब तक तो दादो का था साथ तो अच्छा रहा सुबह नाश्ता बनाकर देना उन्होंने बहुत अच्छा किया जिसे मतलब कमी उन्होंने कोई नहीं छोड़ी मतलब सुबह जल्दी उठ जाना और खाना हमारे लिए बनाना और अब वो बहुत ज्यादा ज़ईफ़ हो गई हैं तो उसके बाद फिर जो प्रोसेस मतलब जो मैंने फेस किया वो ये कि खुद आना भी फिर खाना भी अपने लिए बनाना और फिर उसके बाद खाना और फिर रेस्ट करना और मैं शुरू से मतलब थोड़ी जिम्मेदारी आ गई ना वालदा कहनी दादी ने पाला जी। वालिद ने शादी नहीं की थी नहीं दूसरी शादी में वालिद साहब ने नहीं की उनका ये था कि जो भी दूसरी मतलब वो मदर आएंगी या स्टेप मदर वो आपसे वो ट्रीट नहीं करेंगी और मैं सबसे ज्यादा मतलब वो मैं अपने घर में लाडली बच्ची हूँ लाडली बेटी हूँ वो कहते हैं मेरे फादर अक्सर कि ये मेरी लाडली बेटी है क्योंकि मैं 3 साल से जाहिर है फादर ने भी बहुत सरवाइव किया हमारे लिए और उन्होंने इतनी बड़ी ये कुर्बानी है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और हम पर अपनी जिंदगी जो है वो की है वो चाहते थे कि मैं कुछ बन जाऊं तो मैं अपने फादर के ख्वाबों को पूरा अभी तक करने की कोशिश कर रही हूं अभी मैं समझती नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मेरी और भी बहुत ज्यादा मतलब ये अपने करियर को लेकर मिशन है कि मैं अपने फादर को एक दिन दिखाऊं कि जिनके लिए उन्होंने मेहनत की थी तो आज वो जिन बच्चों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी जिन बच्चों के उन्होंने अपनी जवानी जड़ी आसाते हैं कि यूथ टाइम होते जिन सेकंड मैरिज कर सकते हैं लेकिन उन्होंने नहीं की थी कि नहीं बच्चे मेरी पहली प्योरिटी है। अच्छा इतना वालिद भी असा हमेशा वालदा माँ मदर डे आए लेकिन आपने तो बड़ा सोहनी सोहनी शेर शायरी भी की लिखा भी है आपने मां को सरेंदे रहने हैं लेकिन मैं दूजे गेस्ट आते मेरे शो में पहले भी एक बच्ची आए थे उन्होंने दस दिया कि उन्होंने भी वालिद ने सब कुछ किया उन्होंने वास्ते सर्वाइविंग लाइफ उन्होंने भी रही है जिन्हें की बच्चियां भी रही है एप्रिशिएट करे सो कि वाकई वालिद भी बहुत कुछ करें बहुत कुछ करें बिल्कुल इन्हें तो जिक्र करें भी कहने से आप लेकिन मैं दसा आयशा तो हूं कि वालदा क्योंकि जिहड़े साडा दौर है वालदा घरेलू खातून ना बिल्कुल ज्यादा एजुकेशन ना है सब कुछ वो बिल्कुल घर का एक जिवे हाकिम होते हुए मेरे को सपोर्ट जरा किते वालदा ते माशाल्लाह दुआ कर दिया लेकिन अब्बा जी मेरे को मेरे वाले साहब की सपोर्ट है कि मैं डीजी खान है पसमानदा इलाके दे विच हूं वेले जेरे ने लड़की का बाहर निकलन इंतहाई मायूब समझा वेंदा है मेरे अब्बा जी ने आखा नहीं ये वैसी इंदा शौक है और हूं वेले मैं अखबार च लिखन शुरू किया लेडी रिपोर्टर के तौर पर मैं काम शुरू किया और हूं वेले मैं बिल्कुल बच्ची हाँ मी छोटी जी ते मेरे भिरा भी नाराज थी मैं ना क्योंकि आते ना नाल कोई बनिए क्योंकि बहुत ही अजीब जहा माहौल है ते वो आखे ना क्या सही ड्यूटी ला दी अब्बा जी मुरे और मसात वो नाराज थी मैं ना लेकिन अब्बा जी के नहीं इंदे शौक है ये को तो सवे सुखे ना ते ये वालिद दे कंट्रीब्यूशन दे नाल आज मैं
ਈ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ੌਹਰ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖੇਲ ਬੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸੇ ਖਾਤੂਨ ਕੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਥੇ ਆਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਥੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਫਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਸੁਗਰ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਤੇ ਇਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇ ਐਸਾ ਕੁਤੇ ਕਹੀਂ ਆਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਤਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਵੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦੇ ਨਾ ਤਵਨਾਈ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਗੇ ਦਾ ਫੇਸ ਔਰ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਥੀਂਦੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਫਾਸਟ ਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋ ਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਨਵਾਵਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸਿਕਿਓਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਹਨ ਤੇ ਔਰ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਿਫ ਅਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਮਾਮ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚਲਦੇ ਪਏ ਸਭ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਸੀ ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اک صبح سے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور آپا نال تا مدد دی گپ شپ چلدی پئی ہے آپا نال تا اکثر تھین وی راندی ہے لیکن ہر دفعہ لگدا کوئی نئی گل ہے آپا یہ کی وجہ ہے پئی تسا کتنے راز جڑن نہ چھپائے ہن تھے اپنے دل وچ اور آہستہ آہستہ کڈھیندے راندے آپا کیا گل ہے پتہ کیا ہے اے لائف اگر تساں کتھے کھڑ ویندے ہو نا ایویں جیویں دیکھو نا ایک میں ایک شاعر ہے اگر انہیں شاعری کیتی اور انہیں بعد ایک کتاب دے بعد بہ گئے چپ کرتے بھی بس میں شاعر ہاں نو جب تک تساں لکھدے راسو نوے چیزاں لوگوں کو دیندے راسو تہاڈی اہمیت ہی برقرار رہ سکے اگر تساں رک ویسو بہ ویسو تے تساں پیچھے چلے ویسو صحیح تے ایندی خاطر سٹرگل محنت ضروری ہے اور میری ہن پنجویں کتاب آئی ہے ਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਬੈਠੇ ਕਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੋਲ ਵਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਕਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣੇ ਕੇ ਕੁਛ ਟਰੈਕ ਰੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲਸਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਨਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਤੀ ਉਨਕੋ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਮੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਤੀ ਹੂੰ
और अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगर खुद तो मैं यही कहूंगी कि अच्छा खाना बना लेती हूँ, लोग तारीफ कर रहे हैं, तारीफ तो चल रहे थे, मजबूरी है भाई, कितने भाई बना के नहीं दे बना, चलो भाई अच्छे बना, तारीफ होती है मेरी, मतलब रोटी से बना लेती है मैं। हाँ जी, सब तो मुश्किल रोटी है, सब तो मुश्किल बनाती, मैं बेलन पे हूँ शुरू से, मतलब मैंने हाँ जी तो मतलब बनाती ठीक हूँ, अच्छी बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही, और बस एक गल है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थे मलका फूड्स दे या इन तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने थे तो ऐसे ही देते हैं कि इन लोगों की रेसिपी दी दी हुई है मसाले चाट वगैरह की, टेंशन क्या है नहीं ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲੋ ਜਾਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵੜਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਡਿੰਗੀ ਥੀ ਵੰਦੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਲੂਈ ਚਾ ਜਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਉਹ ਲੂਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਪਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਭਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਪਰਾਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਪਰਾਠੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਰਾਠੇ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਰਾਠੇ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅੱਛਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿੱਥਾ ਵੰਜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਣੀ ਬਿਰਾਵੇਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਾਵੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੋ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਅੰਮਾ ਨੇ ਪਰਾਠੇ ਸਿੱਖੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰਚ ਵੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਵਾਂ ਛੋਟੇ ਲਾ ਤਾਕੂ ਸੁਸਰਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਆਖਿਰ ਸੁਸਰਾਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਵੇ ਜਿਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਟੋ ਕਿਉਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਗਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਜਰ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਿਹਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਾਂ ਗਾਲੀ ਖਾਵਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਡਾਂਟ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਡਾਂਟ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਦਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਖਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋਵਣੇ ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਾਰੀਫ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗਿੱਧਾ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੁਘੜ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਚਨ ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਥੇ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਔਰ ਅਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਕਿਚਨ ਚ ਚੱਲੇ ਵੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਸਤਖਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ 4-5 ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਦਾਈ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਦਾਈ ਬਰਕਤ ਪੈ ਵੈਂਦੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ ਨਾ ਖਾਸੋ ਹਾਂ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਟ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਥੀਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਉਣਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਵਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਡ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਕਦੇ ਇਵੇਂ ਹਾਕਮ ਸਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਖਜੂਰਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇ ਸਜਾਓ ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ
अल्लाह ताला ने भरम रखे हुए सब ठीक है ना। जितना मैं ये डिठे मैं अपना आयशा के अल्लाह ताला दे नाल जिहड़ी तिजारत है ना हूं तो वड्डा कोई कारोबार कोई कारोबार अल्लाह ना तिजारत करो जितना थी सकते अल्लाह दी राह ते लियो और हुंदा तुसा रिजल्ट तो खुद पता लग सी कि कित्थो हैं पैसे। वाह जी वाह। इन नाल ही नाज़रीन से चलदे पे एक छोटी जी ब्रेक ते किथे ना वे सो सारे नाल बस वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद दर्शकों को से रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन है और मेरे भेणी थोड़ी नजर करम इत्था भी कर भी लो मेरे पास भी देख के ना मैं पता है बहुत मसरूफ हो तुसा और ये टाइम सोचा वेंदा पे थे बनाया वेंदा पे थे अक्सर तक कटिंग शुरू थी चुकी होंदी है क्या बढ़ने थे क्या करने थे भाई पहले डिसाइड कर गई ना तो ज्यादा बेहतर है और डिसीजन बिल्कुल मैं घिन के आई हूँ। तो वास्ते मलका फूड्स से बहुत सारे मिसाले चाहत मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जी पाकिस्तान वल अमेरिका वल आस्ट्रेलिया वल यूरोप अपने नए जाके जो मिसाले जात है उन्होंने वजह तेजी नाल मशहूर थी पी और इन्होंने आखन है पी कि हम आम खाने तो निकल आओ और रिवायती खाने तो निकल आओ और कुछ हट के पकाओ कुछ नवा ट्राई करके देखो और मलका फूड के नए जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे लखनऊ बिरयानी हैदराबाद की अचारी गोश्त है पेशावरी जड़ा है कढ़ाई है पंजाबी तड़का दाल है मैं भी ट्राई की थी और बहुत मशहूर भी हैं तो सभी जरूर ट्राई करे सो नवे जायके हैं अच्छे इन अलावा इन्होंने जनाब बॉम्बे चाट मिसाला भी है और चना चाट का पूरा तरीकेकार लिखा हुआ है थोड़ा अगर चेंज करना चाहते रूटीन वाइज तो एक ही जायके होने तो चेंज कर सकते हो। इन अलावा जनाब जी बिल्कुल इन्हों मुगलाई पुलाव भी है मुगलों के दौर का पुलाव आखसा अस चाहते पे होने की कोई नवे तरीके का पुलाव हो कोई नवा जायका हो रोज एक टेस्ट खाते पे होने तो चेंज कर सकते हो अपने टेस्ट को और वही गल ये इन्होंने खूबियों की मैं आख सकते इन्हों मिसालों की खूबी माजरत रोजा है पे रोजे घटमट थी इन्होंने अल्फाज एक वही खूबी यह भी है मिसालों की कि इन्होंने MSG और इन अलावा ग्लूटन शामिल बिल्कुल कह नहीं जो कि सेहत वास्ते मुजरत सेहत है इन चीज़ का भी उन्होंने ख्याल रखे तो फैमिली वादा भी ख्याल रखी थी तो सब बेफिक्र थे कि मजा आने को आजमाऊ वास्ते ना टाइम चाहिए थे घर बनना पोसी और उन्हें बात करना गिफ्ट हैंपर ना तो घर देते हैं ना महविश महविश क्या ड्यूटी है अफतारी दी है सहरे दी है कुछ जिम्मेवारी भी महविश ने संभाली है दोनों जिम्मेवारी महविश दे है नहीं मेरी छोटी सिस्टर भी है मतलब हम ना एक दूसरे से कोऑपरेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अब एग्जाम्स आ गए हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं हमने काम डिवाइड किया हुआ है घर में चाहे मतलब अब जैसे मैं मसरूफ हूँ एग्जाम्स हैं तो वो मतलब इसको एडजस्ट कर लेती है कि वो कर लेगी जब मैं नहीं घर में तो वो कर लेती है एडजस्ट तो फिर जब वो नहीं होती या उसके एग्जाम्स होते हैं तो मैं उसके साथ कोऑपरेट कर झेड़ा लड़ाई हिंदी भेड़ी में तो थोड़ी बहुत तो मुमकिन ही ना थी। हाँ जी हिंदी बचपन में कुछ ज्यादा ही होती थी वो बाल लोचने तक पहुंच जाती थी लेकिन अब वो उतनी नहीं होती लेकिन मतलब जाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ इंसान में मैच्योर हो जाता है। बड़े बहुत है लड़ाई करनी और बाल अच्छा लड़ाकी हो या गुस्सा ज्यादा हो बचपन में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती थी और हाँ जी मार वो मुझे ज्यादा लेती थी लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा ही आता था इसलिए मैं स्मार्ट जी मेरे से थोड़ी मतलब हेल्दी लगती है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है एक अच्छा। जैसे लगते हैं हम ठीक है तो अब मुझे मतलब वक्त के साथ जैसे मेच्योर हो जाता है मुझे अब गुस्सा आ भी जाए तो मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ एज ए बड़ी बहन वाला रोल भी तो फिर अदा करना है मतलब छोटे भाई रोल भी है ये क्या
रोब मैंने किस कभी इस तरह से छोटी बहन या भाई पे नहीं इस तरह से नहीं बिल्कुल मतलब फैसले नहीं बस वो थोड़ा सा मैं हूँ रजिस्टर्ड अपने फैसलों में कि मैं कम मतलब सुनती हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी एक आदत डिवेलप हो गई है शुरू से एक हैबिट के जो आजाद रहना के मींस मेरे ऊपर अब कोई ऐसी सच के कहते ना पाबंदी अम्मा होंगे तो सख्ती तो अम्मा ही करेंगे ना अम्मा ही पाबंदी है माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा हमारी जिंदगी में हाँ जी वो ओमान में होते हैं आउट ऑफ कंट्री उन्होंने स्टार्टिंग से मतलब उनका काम वही था तो लेकिन पूरी आजादी है मैं ये बात हमेशा करती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड है कि मैं कहते हैं ना बच्चियों को इस तरह से निकलने नहीं देना चाहिए एजुकेशन निकलनी चाहिए मैं थोड़ी फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिहाज से बात करूंगी कि मैं कहती हूँ कि जो एक मेल कर सकता है वो भी एक फीमेल क्यों नहीं कर सकती मैं बल्कि कहती हूँ कि फीमेल से एक सोसाइटी जितनी मतलब मजबूत होती है एक आगे एक बेटी भी होती है एक फीमेल के काफी रोल होते हैं जो अगर वो अपने बेहतर तरीके से अदा करती है एक बेटी की सूरत में अदा करती है फिर एक बहन की सूरत में अदा करती है फिर नेक्स्ट अपनी जो शादी के बाद जो है फिर अपने बच्चों को फ्यूचर भी जरूरी है हाँ जी मेरे कुछ मतलब जो है जो एम्स हैं वो इसी तरह के हैं कि मैं प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रखना पसंद करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि कोई भी हो मेरा अपना एक हो मेरा अपना एक नाम हो ठीक है बेशक मतलब जिस तरह से होता है कि हाउस होल्ड्स भी मैं मेरे हैं मैं करती हूँ लेकिन मैं उसके साथ कहती हूँ प्रोफेशनल होना लाजमी है अपनी पहचान होनी चाहिए मैं अपनी पहचान पे अपनी पहचान के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है मैंने एमए अंग्रेजी किया है बहाउद्दीन ज़करे यूनिवर्सिटी से मैंने एमएड किया ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से अब मैं एमफिल कर रही हूँ और इरादा रखती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ मुझे डॉक्टर बनना है छोटी सी क्या क्या कर रही हो तो स्टूडेंट लग रही हो सच्ची से स्टूडेंट डरते भी हैं तुमसे या नहीं डरते सच्ची से बताना रोड शो भी है या नहीं है महविश नहीं होता है वो कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ के मतलब जैसा होता है ना हमारे जो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो हो जाती है जो तो पहले से बच्चे हमारे से अवेयर होते हैं वो तो होता है जो नए आने वाले होते हैं ना मोस्टली कैफे में हम बैठ जाते हैं कुछ खाने या फिर इस तरह से या एक दफा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ग्रेजुएशन कैंपस में लेक्चर लेने गई तो वापस में जब आ रही थी मैंने रूट यूज कर लिया कॉलेज का तो वो थर्ड ईयर के जो बच्चे थे जो नए आए थे उन्हें मालूम नहीं था कि मैं और लुक वाइज भी उन्हें नहीं लग रहा होगा तो मैं बैठ गई तो उन्हें जगह नहीं मिल रही थी कहते इसको उठाओ यहाँ से तो बाद में जो मेरे फोर्थ ईयर के बच्चे हैं वो कहने लगे आप मैम को कह रही हैं तो देन उन्होंने मुझे सॉरी मैम मैंने कहा इट्स ओके बेटा हो जाता है इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है होता है कि मतलब थोड़ा सा फिजिकल भी है और फिजिक भी है और माशाल्लाह लोग भी छोटा टू यंग टू यंग भी हो लोग आनंद थे प्रोफेशन में और फिजिक भी हो तो बिल्कुल स्टूडेंट ही लगते थे रोप शो भी है क्लास वाले डरते भी है डरा देंगे या नहीं डरा देंगे स्टूडेंट को मेरा थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल इस तरह का है मैं ये कहती हूँ कि जो जितनी बात बच्चे को एक प्यार से समझ में आ सकती है वो उतनी डांट से भी नहीं समझता मैं कहती हूँ कि डांट बच्चे को खराब करती है अगर आप वही बात अगर उसे थोड़ा सा मतलब उसे समझाएं प्यार से समझाएं ठीक है वो बिल्कुल समझते हैं बच्चे ऐसा नहीं है कहते हैं कि प्यार से बिगड़ते हैं मैं अब मेरा थोड़ा सा मतलब जो टीचिंग स्टाइल है मैं पढ़ाती भी हूँ उसके दरमियान में जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है उन्हें देती हूँ कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस उनसे शेयर करती हूँ कि मैंने ऐसा किया स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने यूं किया मैंने एक बहुत प्यारी बच्चों को एग्जाम्पल दी उनको मोटिवेट करने के लिए कि कभी मैं ये कहती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग अगर ये कुरान पाक में है कि बेशक मैं तुझे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मैं तुझे वही अता करता हूँ जिसका तू गुमान करता है मैं ये ओपन मैं ओपन आई ओपन ऑब्जर्व मैंने ये काफी दफा ये मैंने जो है इसको ऑब्जर्व भी किया और मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा कि जितना हम मस्बत सोचते हैं उतने ही मस्बत उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं अगर हम नेगेटिव सोचेंगे खुद पे हम अगर एतबार नहीं तो फिर दूसरे नहीं करेंगे मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ मैंने उन्हें बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी अभी कल की बात है मैंने कहा मुझे ये इंग्लिश के जो टेंसेस होते हैं तो मैट्रिक में मुझे उनमें कंफ्यूजन हो जाती थी मुझसे मिक्स हो जाते थे तो मैंने कहा एक होती है पॉजिटिव जेलसी एक होती है नेगेटिव जेलसी मतलब पॉजिटिव जेलसी इस मानों में आ जाती है कि आप ना अगर दूसरे को देखकर अगर रश करें कि अगर ये इस तरह कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये नहीं कि उसको गिराने की कोशिश करें तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक क्लासमेट थी हमेशा वो फुल मार्क्स ले आती एक्सीलेंट ले आती मुझे थोड़ी इस लिहाज से कि मैं क्यों नहीं कर सकती तो मैंने कहा मैंने बैठी एक दिन बुक मैंने खुद प्रैक्टिस की नेक्स्ट डे मैंने एक्सीलेंट लिया उस सर से वो सर हैरान रह गए कि इसकी तो मिस्टेक्स आती थी तो इसकी कैसे जबरदस्त जबरदस्त और माशाल्लाह एक प्रोफेसर जुड़े हैं यकीन नकबोलन की बहुत ही आदत होती है
और इतना अच्छा बोली है और पहली दफा मेरे शो में चांदे पेन थे वैसे रमजान ट्रांसमिशन में चांदे पेन लेकिन माशाल्लाह क्योंकि लेक्चर आ रहे हैं पे लेक्चर देती रहती हैं तो माशाल्लाह यहाँ भी वही सिलसिला चल रहा है नानी नाजन चल रहे छोटी ब्रेक देखे थे ना वैसे सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सु वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और बिल्कुल आपा वाले चलसू और आपा दी गुफ्तगू सुनसू आपा कोई ऐसी गाल आज क्योंकि रोजा है और सच्ची सच्ची गाल नहीं थे वैसे रूटीन वाइज आपा करें दी है खरी बंदी तो है मैं ये तो गवाही देनी है भाई भाई खरी बंदी है पे लेकिन कोई ऐसी गाल आपा जो बंदे के दिल में होती है और बंदे को मौका नहीं मिलता और बंदा आदि के लिए मौका मिल सकते मैं जरूर करे सा चाहे नाजीन नल करे सा चाहे व्यूअर्स जिनको तुसा और रेडी जो कुछ लिसनर सुनने वाले थे क्योंकि उन्हें सुनने वाले बहुत बार लोग सुनने के काबिल नहीं होते सुनना चाहने नहीं पे होते थे आप आज उनको कुछ सुनावना चाहते हो सिर्फ तनकीद करे ठीक है ना क्योंकि माशरे अपने हल्के नाकाम होंगे कोई पसंद नहीं करेंदा पिया होंदा उन्ने दे नाल ही पैरेलल कोई ब्याह टुरदा वेदे हल्के दे विच ओ स्टेप बाय स्टेप उत्ते वेना पे उन्ने कोल बर्दाश्त क्या नहीं थींदा और वो क्या करेंदे वो अपनी जुबान नाल अपने आई कॉन्टेक्ट नाल अपने बिहेवियर नाल अपने जेस्चर नाल उन्ने को टीज करेंदे रहना ठीक है ना ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲ ਹੀ ਵਸ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵੰਜਣੇ ਵੰਜਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾਂ ਬੈਠੇ ਥਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੜਦਾ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਪਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਾਂ ਬੈ ਵਣ ਆਏ 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 ਨਹੀਂ अगर खुलते तारीफ करे कोई बुरा ही नहीं भैया अगर एक अच्छा लगता बैठी क्या हर्ज है अगर एक बुरा लगता बैठे एक ऐसे सलीके नाल ऐसे तरीके नाल उसको दसो कि उसको समझ भी आवे हर्ट भी ना थी ठीक है लेकिन सारे माचरे दे विच ये चीज इतनी आम थी चुकी है गुनाहगार मैं ही काबिल नहीं बड़े लोग है तुसा हाई प्रोफाइल थी गए लेकिन जेरे लोग कहने सड़ सन तो तंग भी करे सन तो करो लो प्रोफाइल थी बनो अच्छा मैं तरीका दसो मैं लो प्रोफाइल कि चुप करते है कोने थी बो यानी एक अपने तौर पे सजेशन देवन पे कि लोग इतने क्यों आसे दन क्यों सड़ दन तुर्की गए लोग सड़दे बैठे भाई तू सचले बने तुर्की दीवार दी हैसियत रखी और कोशिश करो तो नजर इर्द गिर्द कोई हासद है अज थी वजो बिल्कुल कोशिश करो कि सलाम दुआ या काम दी गाल करो उन्दे नाल फालतू गाल ही ना करो क्योंकि उन्दी जरी निगाह है ना तुहाडे ऐसे एक रास्ते दी ब्रेक है बहुत वड्डी और ये आंदी वे हकीकत ही वे मेरे तजुर्बात जेड़े मैं हुण तक गुजारन लाइफ विच ए ओ मैं दसन बिल्कुल नजर बड़ी बुरी है और लगती है ये कोई गलत कह नहीं दे बहुत सारे दुआवां भी हैं पे ऐसा दे दे हैं पर भी से जी हां बिल्कुल जी दे थे कर मैंने अच्छे भले होने और सरे सरे दर्द या बीमारी थी वेंदी तो नजर का असर होंदे हाँ, चाहिए बच्चा को नजर लग और नजर पत्थर पार पत्थर भी पार देंदी है सुनदे है बड़े को सुनदे आया है तो ही वास्ते हम जरा अल्लाह ताला ने इज्जत दी है मकाम दी है अगर तुसा कोई अल्लाह दे राह ते करे सो ते अल्लाह दे सी ना जिले तुसा अल्लाह दे अहकामात दी खिलाफ वर्जी करे सो रोजे ना रखो नमाज ना पढ़ो अच्छा हकूक अल्लाह
حقوق العباد، حقوق اللہ کو حقوق العباد کا درجہ زیادہ، اللہ نے خود عطا دیتا، اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ تسا میری تواڈی آپس دی، ہاں ٹھیک ہے نا، لیکن میں او کہنا بخشے سا صحیح، او عطی میں رحیم ہاں، میں غفور ہاں، میں معاف کر دے سا، میں رحمان ہاں، سارے نام تے اللہ تعالی دے ہن تے نا، ہاں بالکل، میں سب کچھ کر دے سا، لیکن بندیاں دے حقوق والے کہنا معاف کرے سا، ہن گلو بندیاں دے دل نہ دکھاؤ، زبان تو ایسی گل نہ کرو، اور رمضان شریف دا مہینہ آندا ہن گلو ہے نا، نعمت جڑا انعام ہے سب دتے ہن گلو، میں بخشش واسطے دتا ہوں اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے اپنی امت نال اپنے نیاز دے لوگاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نال کہ بھئی بخشش تا ایک مہینہ دے دیتے کہ تو کو بخش دیتا ویسی اور این مہینے کوشش کروں نیک اعمال کروں اندے نال نال لوگاں دی ہیلپ آؤٹ کروں لوگاں دے نال اچھا الاؤ بولوں اور حسد تو دور رہوں اور بہو شکر تو تشریف گھن کے ہے اور ملکہ فوڈز دے جڑے گفٹ ہیں پر ہم پہ او وی ویسن سارے آج دے جڑے گیسٹ ہیں انہاں دے نال ویسن تھے اور اے آپا طلبہ بہت شکریہ رضوانہ دورانی ہیں سارے نال تو بس ہم دورانی ہیں بہت شکریہ شکریہ اور میسج کیا ویسے میسج دیکھ والے بھینی کو جڑے بھینی بیٹھے بیٹھے ٹاپ بھینی کو ایو کو جاکسا کہ اپنے بچے دی اچھی تربیت کرو اور اپنے بچے کو بیسک جڑے بنیادی چیزیں نا انہیں والے پاسے گھنتے ہو اتے اتے اڑنے دا کوئی فائدہ کرنی جب تک تہاڈی بیس کمزور ہو سی اور جڑے ہک اٹ پٹھی رکھے سو اتے دیوار ساری پٹھی رہے سی لہذا اپنے گھر کو شروع کرو جو کام نہیں کرنے اپنے گھر کو شروع کرو جڑے تورا اپنا گھر ٹھیک تھی ویسی پورا معاشرہ ٹھیک تھی واہ جی واہ زبردست یعنی معاشرے کو بعد ٹھیک کرائے بابا پہلے خود تو ٹھیک تھی ونو اپنے گھر کو تو ٹھیک کر گی نو وال معاشرے تے تنقید بھی کرائے وال گال بھی کرائے لیکن اندر کو پہلے اپنے آپ کو درست کرنا بہت ہی ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپا بڑی سونی گال کیتے دل تا آدھے نہیں پیارا کہ آپا یہ پروگرام ختم تھی لیکن افطار دا ٹائم نزدیک آوے سی گھر بن کے کچھ نہ کچھ سبھی تیار کرنے تھیا اچھا جی پروفیسر مہوش رانا طلب بابا شکریہ سے تشریف گھن کے کیا میسج ویسی مہوش کیا آپ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں وسیب چینل کو تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آج مطلب ان کی یہ ایک اپرچونیٹی دی کہ ہم اپنا میسج ہمارا جو ہے عوام تک جائے گا اس کے بعد ایڈمائر کالج آف سائنس اینڈ کامرس ایڈمائر ساڈی جان ہے جی ایڈمائر ساڈی شان ہے تو ایڈمائر کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں میری پہچان ایڈمائر کالج سے ہے لوگ مجھے پروفیسر مہوش رانا ایڈمائر کے نام سے جانتے ہیں اور ماشاء اللہ ہمارا ایڈمائر کالج ایک فیملی کی طرح اپنی پہچان تم نے بنانی ہے جی جی بالکل وہ مطلب کہنے کا یہ کہ میرا نام ایسوسیٹ ایڈمائر کالج کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب مطلب میں یہاں ہوں پروفیسر مہوش رانا میں ریفرنس سے آئی ہوں ایڈمائر کالج کے تو میں چندہ کیا بہنیں کو جو بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو کیا جو بہنیں دیکھ رہی ہیں میرے یہاں ساری جو ینگ گرلز ہیں ان کو بھی اور تمام کو کہ ایک سینٹینس جو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے اس چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اپنے اوپر مطلب اپنی کیپیبلٹیز پر بلیو کریں اور خدا پہ یقین رکھیں اور مثبت سوچ کے ساتھ چلیں انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کبھی نہیں کرنی واہ جی واہ تھینک یو بہت شکریہ سے لوگ تشریف گھن کے آئے بہت ہی اچھا لگا اور واقعی ایسا لوگوں کو دے دھیرانے ہیں ایسا یہ دیکھنا کہ سارا دل کیا تھے تھیا ایسا کیا کر سکتے ایسا وہی کچھ کرنے تھیا ادھر آئے ریسو آئے شو کو اجازت آپ ڈھیر سارا خیال رکھے سو ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھے سو دعاؤں ایسا کوئی یاد رکھے سو اللہ سونے دے حوالے اللہ